सीएम सिटी करनाल, जिसको स्मार्ट सिटी का दर्जा भी दिया गया है, उसका हाल ही में कूड़ा करकट मुक्त शहर के लिए पूरे देश भर में तीसरा स्थान व उत्तरी भारत में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर गंदगी की बात करें तो शहर में कई ऐसी जगह हैं जिसमें गंदगी अवस्था फैली हुई है, जिसमें करनाल के प्रेमनगर स्थित मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के निवास स्थान से मात्र 200 मीटर की दूरी पर नगर निगम द्वारा बनाए गए कम्युनिटी हॉल की हालत बद से बदतर है। कम्युनिटी हॉल के अंदर की बात करें तो कई जगह पर छत टूटी हुई है, दरवाजे, खिड़कियां और शीशे टूटे हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ बिजली के बोर्ड टूटे हुए और उनमें बिजली की तारें नंगी बाहर निकली हुई किसी बड़े हादसे का न्योता दे रही हैं। कम्युनिटी हॉल के बाहर पार्किंग की जगह झाड़ियों में तब्दील हो चुकी है और जहां पर खाना बनाया जाता है वहां पर पूरी तरह से गंदगी फैली हुई है। हम ये चाहेंगे, हम तो देखो सर कैथल से आए हैं, हमारी भतीजी के साथ दी है। अच्छा। हमने आगे देखे बाकी बिल्डिंग तो गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी बनाई है, लेकिन ये तो उसमें खत्म सी कर रखी है। तो यहाँ कोई पानी के इंतजाम में लैटरिंग में बड़े, हम तो वापसी निकले आए। हम तो दोबारा यहाँ आने के ही नहीं जी, बस हम जितने कर चलो खाना, चलो जैसे बने कुछ खाने, बाहर बदबू बार उठे सारा कुछ। हाँ, मक्खी मच्छर अंदर बहुत है भाई, ये देखो ना बाहर कितनी बदबू उठ रही है। तो सरकार स्वच्छता के दावे कर रही है लेकिन नहीं कुछ नहीं है जी। इससे तुम्हारा कैथल शहर बढ़िया है। हाँ जो कह रहे हैं ना अभी करनाल, करनाल तो वैसे नाम को बताया जा रहा है पूरा कर, नहीं कुछ नहीं है जी, नहीं नहीं नंबर मिल रहे हैं, नहीं कुछ नहीं है। कैथल देखो शहर जाएगा जी फिर। हाँ ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो और नाम क्या? प्रेमचंद कैथल से जी सर। शादी में आए हुए कैथल निवासी लोगों ने बताया कि करनाल सीएम सिटी के साथ साथ स्मार्ट सिटी भी कहा जाता है, लेकिन इससे तो हमारा कैथल 100 गुना अच्छा है। नगर निगम द्वारा ₹14,000 की पर्ची काटने के बाद बदले में बुरी हालत में कम्युनिटी हॉल और उसमें फैली गंदगी हमें मिली है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के इंतजाम नहीं है, चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई है। वहाँ के निवासी अनिल ने बताया कि हम नगर निगम में कई बार इस बारे में शिकायत दे चुके हैं लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद हमने सीएम विंडो में भी शिकायत दाखिल की थी लेकिन कोई समाधान अभी तक नहीं निकला है। उन्होंने बताया कि शहर में दूसरी जगहों पर हुड्डा द्वारा बनाए गए कम्युनिटी हॉल इससे 100 गुना अच्छे हैं। उन्होंने बताया कि कम्युनिटी हॉल की छत पर बनी टंकियों से हर रोज हजारों लीटर पानी बहता रहता है, जिसके लिए प्रशासन को हम कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन जहां सरकार पानी बचाने को लेकर जागरूकता अभियान और कई योजनाएं बना और चला रही है, वहीं प्रशासन को खुद अधिकारी व कर्मचारी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली बात कर रहे हैं। रहने वालों जी अलवायु में जी कुछ जी बुकिंग कर रहे थे यहाँ पे जी, रात हमारे से सोए भी नहीं गया जी, और लेकिन सोने तक क्या बदबू इतनी रसोई में जी। इससे बेस्ट जो है ना हमारे गाँव स्टोंडे में कम्युनिटी सेंटर बने हैं, बहुत ही अच्छा सिस्टम है। ये करनाल का मुख्यमंत्री का निवास स्थान है प्रेमनगर में, उसके पास ही है ये। उसके पास ये, लेकिन हम तो ये सोचते हैं ये आस पास में इनको बदबू नहीं आती होगी, हमारे हम गाँव वाले देसी आदमी हमारे को बदबू आ रही, इनको नहीं आ रही, शहरी लोग इतना परेशान हो गया, इतना परेशान मान रहे। हम तो यहाँ से काम निपटा निकले, अब मैं यहाँ जोड़ते हम तो जी कहते कान पकड़ लेंगे हम तो। अनिल कुमार जी क्या कहना चाहेंगे यहाँ के करनाल के प्रेमनगर के कम्युनिटी सेंटरों की क्या हालात है? हालांकि सीएम साहब का निवास स्थान भी बिल्कुल नज़दीक ही है, जहाँ पर दिखने में बहुत हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के हालात की तो जितनी मतलब कि हम बुराई कर सकते हैं उससे ज़्यादा 10 गुना बुरा हाल है यहाँ पे। जो भी बेचारा आदमी यहाँ पे बुकिंग करवाता है रोता रहता है कि मैं कहाँ फंस गया, और सरकार को हम पिछले 1-1.5 साल से प्रशासन के आदमियों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार यहाँ पर आके देखो सही यहाँ पे हालात क्या हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई पानी की निकासी नहीं है, गंदा पानी यहाँ खड़ा हुआ है, रसोई में कोई आदमी खड़ा नहीं हो सकता है, मक्खी मच्छर और बदबू जो कि बीमारी का कारण है, लोग यहाँ पर आते हैं उल्टा बीमार होकर जाते हैं, जो भी फंक्शन में गेस्ट आते हैं सब बीमार होते हैं। बेचारा एक आदमी जो गलती से एक बार बुकिंग करवा लेता है वो दोबारा प्रेमनगर कम्युनिटी सेंटर का नाम नहीं लेता है। 14,000 रुपये यहाँ के चार्ज किए जाते हैं, जबकि हुड्डा का 5,000 से 7,000 रुपये वो चार्ज करते हैं, लेकिन वो इनसे 10 गुना बढ़िया मेंटेन्ड है। वहाँ पे साफ़ सफाई का भी पूरा आलम है, यहाँ ना तो कोई सफाई रखता है और ना ही कोई सुनवाई करता है, सबसे बड़ी बात ये है। पानी की क्या बात है? पानी का तो बस पूछो मत, निकासी तो नाम मात्र की है भी नहीं कहीं पर भी। आप देख सकते हैं अपनी वीडियो में चेक कर सकते हैं कि कितने कितने दिन से पानी यहाँ खड़ा हुआ है, और गंदे तालाब जैसे पुराने गांवों में हुआ करते थे, अब तो वहाँ गलावों में भी ऐसे तालाब नहीं रहे जैसे तालाब यहाँ बन चुके हैं। और साफ पानी का जो मोटर का पानी है वो रोज का हजारों लीटर यहाँ बह जाता है, उसकी कोई देखता नहीं है, कोई उसको पानी को रोकने का कोई सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट तार लगा के उसको जो है वो पानी चलाया जाता है। वो बेचारा एक आदमी उसको मोटर चलवाए या बंद करवाए कोई ध्यान नहीं है, पानी लाखों लीटर रोज का बर्बाद हो जाता है। हम एक एक बूंद पानी की पीने की
बचाने के लिए इतने इतने अभियान चला रहे हैं, वो सरकार की अपनी धरती पे, सरकार के अपने कम्युनिटी सेंटर में इतना लाखों रुपए का पानी रोज वेस्ट हो जाता है। इस यहाँ तो छोड़ो, साथ में ही सरकारी स्कूल है, प्रेमनगर सरकारी स्कूल, जहाँ पर कि रोज हर 5 साल बाद वोटिंग पड़ते हैं, वहाँ की टंकियों में भी डेली का हजारों लीटर पानी वेस्ट होता है। हमारे पर तो आप विश्वास ना करें तो जाकर आप अपने यहाँ पर, मैं अपने प्रेस रिपोर्टर भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ की भी वीडियो बना के लेके जाएं, और जितने भी करनाल के अंदर इन्होंने टॉयलेट्स बनाए हैं सब में पानी वेस्ट चलता रहता है, मोटरें चलती रहती है, लाखों लीटर पानी का बर्बाद हो रहा है करनाल के अंदर। मैं हालांकि बीजेपी सरकार का फुल सपोर्टर हूं, लेकिन मैं इस मामले में जो प्रशासन के आदमी बीजेपी को और पब्लिक को साथ नहीं दे रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको सस्पेंड किया जाए, टर्मिनेट किया जाए, जो अपनी ड्यूटी को पूरी तरह नहीं समझ रहे हैं। जहां मुझे आप लेके चलना चाहें मैं पूरी कंप्लेंट करने के लिए तैयार बैठा हूँ। नगर निगम के उप कमिश्नर धीरज कुमार से इसके लिए बात की गई तो महाशय ने गंदगी फैलाने का आरोप हाल को बुक करवाने वाले लोगों पर ही लगा दिया। उन्होंने कहा कि मात्र 14,000 रुपए में इतनी प्राइम लोकेशन भी दी जा रही है, जहां पर काफी बड़ा टेंट लगाया जा सकता है। शादी कार्यक्रम पूरा होने के बाद अगर हमें सूचना मिलती है तो उसमें सफाई का काम करवाया जाता है। पानी बहने की अवस्था पर यह कहा गया कि हमने चारों जोन में 4 प्लम्बर रखे हुए हैं जो निरंतर इसी काम को देखते हैं। हमारे लिए शहर भर में पानी के लिए नल, पाइप, टंकी, शौचालयों की देखरेख एक चैलेंज बना हुआ है। कुल मिलाकर नगर निगम उप आयुक्त भी कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। कम्युनिटी हॉल में गंदगी अगर लोगों द्वारा फैलाई जा रही है तो क्या झाड़ियां लोगों ने उगाई, क्या टंकी से पानी लोग बहा रहे हैं? कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा जा रहा है, और जिसको समझने की सभी जरूरत है तभी यह काम सुचारू रूप से चल सकेंगे। देखिए, इसमें मैं सीधे तौर पर कहना चाहूँगा कि जिम्मेदारी जो है वो अकेले ना नगर निगम की बनती है ना प्रशासन की बनती है। गंदगी वहाँ फैलाता कौन है? अगर मान लो नगर निगम ने किसी को भी मात्र 14,000 रुपए में इतनी अच्छी जगह, आप सब ने वो देखी है, एक प्राइम लोकेशन और बहुत अच्छा बना हुआ, उसमें खुली जगह भी है जहाँ टेंट लगाया जा सकता है, अंदर हॉल भी बहुत बड़ा है, वहाँ गंदगी फैलाने वाले भी जो लोग हैं वो वही होते हैं जो उसको बुक कराते हैं। और रही बात सफाई की, उसके बाद सफाई उसमें निरंतर होती है। अब अगर मान लो किसी ने कार्यक्रम किया है, उस कार्यक्रम के दौरान अगर उसने गंदगी फैलाई है, उसकी सूचना नहीं दी गई है या चौकीदार के माध्यम से हमारे तक नहीं आई है, तो ही उसमें ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसमें गंदगी फैली हो। रही बात आपने जो बात की कि वहाँ पर हॉर्टिकल्चर का कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ काम होना, वो मैं चेक करा लेता हूँ, उसको हम जल्दी करा देंगे। तो बहता रहता है वहाँ पर, चारों लाखों लीटर पानी ऐसे बह जाता है, टंकियाँ फुल हो जाती हैं, इवन साथ लगते स्कूल के भी विजुअल हैं, और साथ में पता नहीं वहाँ स्कूल का प्रशासन नहीं उसको देख रहा, और अगर बात करें कम्युनिटी हॉल की तो उसका भी पानी, अभी हम इसके ऊपर वाटर सेविंग की भी बात कर रहे हैं, तो सर कुछ एक खामियाँ तो जरूर है जिसको नहीं देखिए जी। माफ़ी चाहूँगा, ये जो समस्या है ना, चाहे कम्युनिटी टॉयलेट है, चाहे पब्लिक टॉयलेट है, चाहे कम्युनिटी सेंटर है, चाहे रेलवे स्टेशन है, चाहे बस स्टैंड है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है, वो है चाहे हम कितने ही नल वहाँ पे लगवा लें, कितना ही उसको रिपेयर करा लें, उसके बावजूद भी जो लोग उनको प्रयोग करने वाले हैं उनको पता नहीं क्या मैं कहूँगा कि बुरी आदत है कि वो उनको या तो तोड़ते हैं या उनको खुला छोड़ देते हैं। मैं जो आपने मुद्दा रखा है बिल्कुल उस मुद्दे से सरोकार रखता हूँ, और हम निरंतर इस पे काम कर रहे हैं, हमने 4 जोन के लिए 4 प्लम्बर एक्सक्लूसिवली इस काम के लिए रखे हुए हैं, निरंतर रिपेयर का काम चल रहा है, उसके बावजूद भी टूट फूट की शिकायतें और उसके बाद नलों को खुला छोड़ने की आदत, इसमें कहीं ना कहीं हमें जो प्रशासन का काम है प्रशासन भी कर रहा है, हमारी जो कमी हम उनको भी दुरुस्त करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को भी अपनी आदत में सुधार लाने की ज़रूरत है। और जो जो चीज़ें आपने मुझे बताई हैं मैं उन पर भी विशेष संज्ञान लेते हुए जो उसमें दुरुस्तगी है वो ज़रूर कराएंगे, लेकिन मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी आम नागरिक से या जो भी उसको प्रयोग कर रहे हैं, जो बुकिंग कर रहे हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो उसको अपनी जाति संपत्ति समझते हुए एक जिम्मेदारी के साथ उसको प्रयोग करें, तभी हम इन समस्याओं को सुधार पाएंगे।